अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हमारे पास गेमिंग कम्युनिटी और ई-स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप फ्यूचर में भी ऐसे ही गेमिंग कम्युनिटी और ई-स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं केओडी ई-स्पोर्ट्स और एचडब्ल्यू ई-स्पोर्ट्स के एक टूर्नामेंट लीग ऑफ चैंपियंस के बारे में। कल इस टूर्नामेंट का डे 8 था और डे 8 के पहले दो मैचेस में चिकन लिया है अगोन XI8 ई-स्पोर्ट्स ने, और तीसरे मैच में चिकन लिया है नॉर्थ ई-स्पोर्ट्स ने, और चौथे मैच में चिकन लिया है 3X स्पोर्ट्स ने। इस टूर्नामेंट के डे 8 के बाद इस टूर्नामेंट की टीम्स की जो ओवरऑल स्टैंडिंग है वो भी आप यहां पे देख सकते हैं। और गाइज, इस टूर्नामेंट के डे 8 के बाद अगर इस टूर्नामेंट के लीडर्स की बात की जाए तो यहां पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पे हमें 3X स्पोर्ट्स मिरेकल दिखाई दे रहे हैं, दूसरे नंबर पर टीम MGS से जिबियान, तीसरे नंबर पर T20 क्वालिटी स्पोर्ट्स से वोल्ट्रक्स, और चौथे नंबर पर हमें टीम टफ से जोकर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आपका हालचाल तो खिज नहीं पूछ लिया, तो मुझे यहाँ पर से पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। मैं आपसे फिर डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ ही जाता हूँ, और सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आप एशियन कंट्रीज की एग्रेशन और साउथ एशियन की जब आती है एग्रेशन कंट्रीज की, उसमें आप क्या कंपैरिजन देखते हैं और क्या आपको डिफरेंस नजर आता है? लाइक विच वन विदाउट लाइक एनी कंट्रोवर्सी के बेटर, कौन सी एग्रेशन दिखाती है आपको कंट्री, या किस तरह से वो खेलते हैं, उनका प्ले स्टाइल अगर आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, साउथ एशियन टीम्स डेफिनेटली अपने एग्रेशन में बहुत ऊपर है। कंट्रोवर्सी से तो खैर चलो मैं कभी डरता ही नहीं, बट स्टिल नाम लेने से मैं पीछे नहीं हटूंगा। स्टालवर्ट मुझे बहुत पसंद है, I8 हो गई अपनी, DRS या ले लें आप, स्काईलाइट्स, ये सब साउथ एशियन रीजन में बहुत बढ़िया खेल रही हैं, बहुत जबरदस्त टीमें हैं। बट अगर बात करें अपने यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, तो यहाँ टीम्स कुछ डिफेंसिव खेलने लगी हैं आजकल, जितना मैं फॉलो अप कर पाता हूँ इंटरनेशनल इवेंट्स में, थोड़ा सा डिफेंसिव टैक्टिकल अप्रोच रखती हैं। कुछ एक आध नाम अगर मैं साउथ ईस्ट एशियन टीम्स की तरफ से भी रखूं तो एरो वुल्फ मुझे एक ऐसी टीम लगती है। इवोस की अगर हम बात कर लें तो टीमें बेहतर हैं, प्लेयर्स बड़े जबरदस्त हैं, बट हल्की सी वो डिफेंसिव अप्रोच दिखती है। अग्रेशन में अगर आप देख लें एशियन ग्राउंड्स में, तो थाईलैंड रीजन सबसे बेस्ट है। जितना मर्जी अग्रेशन करा लो, इतने मार्वेलस उनके टैक्टिक्स रहते हैं कि उनका अग्रेशन यहाँ हमारे रीजन में अगर आ जाए तो भाई मजा आ जाएगा। आखिरी मेरा आपसे ये क्वेश्चन रहेगा कि आप टॉप 3 से 5, मैं आपसे चले 4 कर देते हैं, दरमियान का हम हिस्सा लेंगे, 4 फेवरेट आपकी जो कि पाक टीम्स की हैं, जो आपको फैसिनेट करती हैं, जो आपको कहती हैं कि यस दीज टीम्स आर प्लेइंग रियली गुड, वो कौन सी रहने वाली हैं, उनका कोई नाम बताएं। 4 तो खैर नहीं, 3 रख देते हैं इसको, बिकॉज 4 में फिर बहुत सारी टीमें हो जाएंगी। बट नंबर 1 पे तो यार देखो I8 रहेगी मेरे लिए, अब तो वो PMGC टीम भी होगी, तो I8 मेरे लिए नंबर 1। मैग्नस मुझे बड़ी जबरदस्त एक अग्रेसिव, बड़ी प्रॉमिसिंग टीम है पाकिस्तान रीजन की। साथ में एक रीजन से, मतलब आपके पाकिस्तान रीजन से, एक 3X ई-स्पोर्ट्स का जो ये रोस्टर है जिसमें रिव्यूज और नाइट आए हैं, मजेदार, मुझे बहुत पसंद आती है स्क्वाड, खासकर रिव्यूज तो मेरे को बहुत जबरदस्त प्लेयर लगता है, उसकी मॉन्टाजेस मैं इतनी फॉलो करता हूँ। वो प्लेयर आ गया ना अगर इंडिया, तो मतलब अलग लेवल फील हो जाएगा, उसके टक्कर का प्लेयर बहुत रेयर ही, बहुत अलग लेवल टक्कर का प्लेयर है वो, मजा आएगा उसके साथ कभी कम्पीट करने का मौका मिले तो। तो गाइस, आज की फर्स्ट स्टोरी हमारे पास PMGC ग्रुप्स की ड्रॉप प्रिडिक्शन के बारे में है। यहाँ पे मैं आप लोगों को PMGC ग्रुप्स के मैप में ड्रॉप प्रिडिक्शन से रिलेटेड इमेजेस वगैरह शेयर कर देता हूँ, जिनको देखने के बाद आप आसानी से समझ जाएंगे कि PMGC ग्रुप्स में कौन सी टीम की ड्रॉप लोकेशन कौन सी होगी। तो गाइस, अगर यहाँ पे PMGC से रिलेटेड बात चली रही है तो नेक्स्ट स्टोरी भी हमारे पास PMGC टीम्स और I8 स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। PMGC टीम्स और टीम I8 स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात करते हुए ट्रेंडा ने कहा, PMGC में हर टीम का एक अपना लेवल है और हर टीम अपने टाइम की बेस्ट टीम भी होती है। हम अपना बेस्ट देंगे बेशक फिर आगे कैसी भी टीम हो, हमारा मोटिव होगा ग्रुप स्टेजेस में टॉप करके फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करें। गाइस, दुआओं में जरूर याद रखना PMGC के लिए, डोंट फॉरगेट टू प्रे फॉर अस, कीप सपोर्टिंग अस, जितना सपोर्ट करेंगे उतनी मोटिवेशन मिलेगी। और गाइज, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि PMGC में जो ग्रुप रेड है उसके मैचेस का स्केड्यूल वगैरह आ चुका है, जिसमें हमें टीम I8 स्पोर्ट्स भी खेलती हुई दिखाई देने वाली है, जो कि 10 नवंबर से स्टार्ट होगा और 13 नवंबर तक चलेगा। तो गाइज, आप लोगों में से कौन कौन चाहता है कि टीम I8 स्पोर्ट्स अपने पहले ही राउंड से PMGC फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर ले, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइज, आज की नेक्स्ट स्टोरी हमारे पास अपकमिंग PMNC और PMPL स्प्रिंग स्प्लिट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि PMPL फॉल 2022 से जो टॉप 12 टीम्स थी उनको अपकमिंग PMPL स्प्रिंग स्प्लिट में डायरेक्ट इनवाइट
इनवाइट दिया जाएगा। और अगर वो 12 टीम्स पीएमपीएल स्प्रिंग स्प्लिट से पहले अपना रोस्टर वगैरह चेंज करना चाहती हैं तो वो भी चेंज कर सकती हैं। और गाइज मजीद पीएमपीएल फाल से जो बॉटम 8 टीम्स होंगी उनको पीएमएनसी खेलना होगा और उन 8 टीम्स को अपकमिंग पीएमएनसी से पीएमपीएल स्प्रिंग स्प्लिट के लिए क्वालिफाई करना होगा। और वो 8 टीम्स पीएमएनसी से पहले अगर अपना रोस्टर वगैरह चेंज करना चाहें तो कर सकती हैं, मगर पीएमएनसी के बाद वो रोस्टर वगैरह चेंज नहीं कर सकेंगी। तो गाइज आज की नेक्स्ट स्टोरी हमारे पास जिबियान से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी एक रिसेंट वीडियो में भी बताया था कि जिबियान जो है टीम बबलू को लीव करने वाले हैं। और गाइज अब इसी से रिलेटेड कंफर्मेशन भी आ चुकी है कि जिबियान ने टीम बबलू को लीव कर दिया है। मजीद मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि जिबियान जो है आजकल टीम एमजीएस के साथ हमें अक्सर खेलते हुए दिखाई देते हैं और हो सकता है कि जिबियान की न्यू टीम एमजीएस हो। बाकी आप लोगों का इस बारे में क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइज आज की इस वीडियो में हमारे पास गेमिंग कम्युनिटी और ई-स्पोर्ट्स से रिलेटेड बस इतनी सी स्टोरीज थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मजीद ऐसी न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।